अध्याय 17। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7ों बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था वही किया है। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10ों शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता, और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया।
मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे।